हाय फ्रेंड नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग क्या डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब MLSS मतलब क्या है, जो MLSS मतलब क्या, मिक्सर और लिकेज सस्पेंडेड चार्जेस। जो MLSS मतलब क्या है, जो सिंपल टर्म में मैं तो बोलने वाला है कुछ नहीं। अभी जो एरेशन टैंक है, जो एरेशन टैंक से जो वाटर, जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ वाटर को लेकर के एक ग्रेजुएटर सिलेंडर में पूरा भरा के रखो, जो रखने के बाद वो आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट वो छोड़ दो। छोड़ने के बाद जो कुछ जो सस्पेंडेड सॉलिड जो ऊपर जो ग्रेजुएटर सिलेंडर का ऊपर जो दिखाई दे रहा है, सस्पेंडेड पे दिखाई दे रहा है, वही हम लोग को क्या बोलते हैं, जो MLSS बोल के बोलते हैं। ठीक है, सो MLSS इज नथिंग बट इज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द मिक्सर लिक्विड। अभी जो आप लोगों को अभी जो क्वेश्चन आएगा, मिक्सर लिक्विड मतलब क्या है, मिक्सर लिक्विड मतलब कुछ नहीं, जो एरेशन टैंक से जो वाटर जो ले रहा है ना, उसी को हम लोग मिक्सर लिक्विड बोल के बोलता हूँ। क्यों बोलने से, जो जो वाटर है ना, जो मिक्सर लिक्विड है ना, इट इज अ मिक्सर ऑफ रॉ और सेटल्ड वेस्ट वाटर प्लस एक्टिवेटेड सॉलिड्स, वो दोनों का मिक्सर है, वो क्या है, जो मिक्सर लिक्विड। सो MLSS मतलब क्या, मिक्सर लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो जो जो सस्पेंडेड जो सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द मिक्सर लिक्विड, उसी को हम लोग MLSS बोल के बोलते हैं। जो मिक्सर लिक्विड मतलब क्या है, जो इज अ मिक्सचर ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्लस वेस्ट वाटर, वो दोनों को हम लोग को क्या बोलते हैं, रॉ और सेटल्ड वेस्ट वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सर लिक्विड बोल के बोलते हैं। मतलब जो मिक्सर MLSS जो कैसे है, जो एक ग्रेजुएटर सिलेंडर में जो एरेशन टैंक से पानी जो निकाल के उसे भरने के बाद वो आधा घंटा छोड़ने से जो नीचे सेटल होगा वो SSV बोल के हम लोग बोलते हैं, जो ऊपर में जो दिखाई देगा वो MLSS बोल के बोलते हैं। लेकिन वो हमारा जो आग से नहीं देख सकता है, वो क्या है, जो लैब से जो सैंपल दे के उसको कैलकुलेट करना MLSS क्या बोलते हैं। सो MLSS SSV आप लोग को मालूम रहने से आप SVA कैलकुलेट कर सकते हैं। तो SVA कैसे कैलकुलेट करना चाहिए बोल के पहले भी वीडियो पे डाल चुका है, अभी तक देखने से आप नहीं जाके देख लीजिए। दूसरा बात क्या है, जो MLSS का रेंज जो क्या आना चाहिए, मतलब MLSS रेंज है ना, वो अभी एक ट्रेडिशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एक्टिवेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, मतलब MBBR मिक्सड बेड बायो रिएक्टर जो टेक्नोलॉजी जो यूज करने से, उसी में जो आप चेक करने से MLSS लेवल 1500 मिलीग्राम लीटर से 5000 मिलीग्राम पर लीटर, ये दोनों का अंदर पे जो रहेगा वो रेंज वो मेंटेन करेगा। लेकिन वो प्लांट वो जो चेंज हो जाएगा जो MLSS का रेंज, लेकिन जो टिपिकली जो आप लोगों को बताया जाएगा 1500 मिलीग्राम पर लीटर से 5000 मिलीग्राम पर लीटर का अंदर जो रहेगा MLSS लेवल इन दी MBBR टेक्नोलॉजी। अब MBR टेक्नोलॉजी जाओ, मतलब मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी जो आप यूज करेगा ना, उसी में आप MLSS लेवल चेक करने से 10,000 मिलीग्राम पर लीटर से 12,000 मिलीग्राम पर लीटर जो रहेगा, मतलब MBBR टेक्नोलॉजी कंपेयर करने से MBR टेक्नोलॉजी में जो उसका लेवल मतलब MLSS लेवल ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, मतलब 10,000 मिलीग्राम पर लीटर से 12,000 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन जो कुछ प्लांट है जो डिजाइन करने का पहले जो आप लोग पता देगा ये MLSS लेवल आप लोग मेंटेन करना चाहिए, अगर वो रेंज वो डिजाइनर को दे देगा, वो डिजाइनर जो कुछ जो देगा उसी का रेंज में आप लोग को मेंटेन करना चाहिए, उसी के आगे जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, नीचे मतलब हायर MLSS लोअर MLSS दोनों रहने से भी प्रॉब्लम है। जो हायर MLSS रहने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, लोअर MLSS रहने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, आपको मालूम रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं तो कुछ नहीं हम लोग कल हम लोग को डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को पसंद होगा लगता है, अगर आप लोग को ये वीडियो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है बोल के आप लोग को सोचने से आप लाइक करो, आप अपने लोग भी शेयर कर दो, कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, बाय।